हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल सोर्स बुक ग्लैमर में। और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, वैसे टाइटल और थंबनेल देख के समझ में आ गया है आपको कि यस, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ वंस अगेन मीशो हॉल। और एक ऐसा हॉल वीडियो लेकर के आई हूँ जिसके जो भी सूट इस हॉल वीडियो में मैं जो भी सूट लेकर के आई हूँ, आप किसी एक सूट को आप ये नहीं बोल सकते हो कि छवि ये खराब है ये अच्छा है। सारे सूट अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत क्लासी है। ऐसे सूट लेकर के आई हूँ, पांच सूट है और पांचों सूट ऐसे सूट हैं जिसको आप आराम से आप ऑफिस पहन के जा सकते हो, कॉलेज पहन के जा सकते हो, फैमिली गेट टुगेदर में जा सकते हो और डेली यूज में भी आप इसे पहन सकते हो। सुपर से भी ऊपर वाले हैं सारे के सारे सूट। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, इस हॉल वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोगों से एक विनती है, रिक्वेस्ट है। अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे YouTube वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें। शेयर करना नहीं भूलना है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। सबके कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। हाँ, आपको मिलता है कुर्ता, बॉटम और दुपट्टा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुर्ता की, तो ये जो है प्योर कॉटन फैब्रिक का ये कुर्ता है, कमाल का कुर्ता है, बहुत खूबसूरत है। मैं कलर ब्लाइंड हूँ दोस्तों, इसलिए आप कलर खुद से डिसाइड कर ले कि कौन सा कलर है। मुझे तो भाई यार समझ में सारे कलर एक जैसे ही लगते हैं। मुझे लगता है लाइट फिरोजी है, ब्लू है, जो भी हो आप समझ जाइए। कुछ इस तरह से जो है आपको नेक का पैटर्न मिल जाता है, राउंड नेक मिल जाता है और यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है बटन की डिटेलिंग की हुई है। थ्री क्वार्टर स्लिप्स है और स्लिप्स जो है काफी, मतलब ये कुर्ता ऐसा है ना कि इतना कॉटन में भी एक होता है ना कि प्योर कॉटन वाली फीलिंग आती है जब आप टच करते हो, तो वही आपको फीलिंग आती है। तो स्ट्रेट फिट कुर्ता है और साइड में आपको लॉन्ग स्लिप मिलता है। तो पहन के जाओगे ना तो जरूर कुछ लोग पूछेंगे कि भैया ये आपने कहाँ से परचेस किया और इतने रिजनेबल प्राइस में, तो भैया बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बहुत सुंदर लगा, काफी खूबसूरत फैब्रिक है इसका। वॉश नहीं की हूँ इसलिए मुझे अभी नहीं पता कि भैया इसका श्रिंक होगा कि नहीं होगा, बट फैब्रिक तो बहुत अच्छा प्योर कॉटन है। सेम प्रिंट का जो है आपको बॉटम मिल जाता है, स्ट्रेट ये बैक और फ्रंट दोनों में आपको इलास्टिक मिल जाता है और नीचे जो है आपको प्लाजो मिल जाता है। ये देखिए, कुछ प्लाजो नहीं है, ये पैंट प्लाजो ही है। यहाँ पर कुछ इस तरह से कट दिया हुआ है नीचे, तो मैं मोस्टली जो है वो कट जो है वो वाले जो पैंट होते हैं, मुझे एकदम फिटिंग में हो तो सही लगता है, लेकिन हल्का लूज वाला हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मोस्टली ये तो यहाँ से मैं कट कराऊंगी तब इसे पहनने वाली हूँ, बट आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप पहन सकते हो। ये प्योर कॉटन है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये स्टॉक में आप चेक करते रहना, अगर स्टॉक में आएगा तो जरूर परचेज करना, बहुत बेहतरीन है। इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ, इसका दुपट्टा इतना बेहतरीन है कि मैं जब फर्स्ट टाइम इसको खोली थी ना तो मैं टेंशन में आ गई थी कि सेलर ने क्या किया भैया, 5 मीटर दे दिया है क्या। इतना बेहतरीन, इतना उम्दा क्वालिटी का ये दुपट्टा, काफी चौड़ा भाई, इसका आप मतलब आप इसका कुर्ता बना सकते हो, इतना बड़ा ये दुपट्टा है। मतलब सोच लिए आप, ये देखिए कुछ इस तरह का जो है दुपट्टा है, कुछ इस तरह का दुपट्टा है, कुछ इस तरह का, कितना चौड़ाया है देखो, चौड़ाई में देखो कितना बड़ा, पूरे 2.5 मीटर का ये दुपट्टा है। और दुपट्टा प्योर मलमल है, मतलब मलमल वाला जो फैब्रिक होता है ना वो प्योर मलमल है। मुझे इसका दुपट्टा मुझे बहुत सुंदर लगा। ये सूट आप मुझे पहने देखने वाले हो किसी भी ब्लॉग में, किसी भी प्रोडक्ट रिव्यू में, किसी भी इस तरह से वीडियो बनाने में, क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लगा है, बहुत प्यारा है। मतलब ये इसीलिए आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, जो भी मैं दिखला रही हूँ दोस्तों एक दो दिन में सब आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। मेरी कोशिश रहेगी, आज मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, अभी मैं एक एक करके कुर्ता को वॉश करूँ और कल आयरन करूँ और कल ही वीडियो शूट करूँ ताकि आप लोगों को परसों वीडियो मिल जाए। अगर आप रिव्यू का वेट करते हो तो प्लीज इस बार आप कोशिश करें कि थोड़े हिंट्स मैं आपको इस वीडियो में भी दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए और जो सूट पसंद है उसको आप परचेज कर लें, क्योंकि भैया
ये मीशो के ऊपर यही एक प्रॉब्लम है कि कुर्ता सेट है ना यूं यूं निकलता है, क्योंकि इतने सस्ते में ये कुर्ता देते हैं कि भैया और कहीं नहीं मिलता है। इसमें आपको मिलता है कुर्ता और बॉटम। मैं अपनी माँ को दिखाई क्योंकि मुझे ये सूट सब इतने सुंदर लगे ना, तो अब सारा सूट मैं अपनी अम्मा को दिखाई वीडियो कॉल करके। अम्मा कहिए बेटा सारे सूट बड़े खूबसूरत है, लेकिन माँ को मेरे ये सूट बहुत सुंदर लगा, ठीक है ना। और मैं अपनी भाभी को, मेरी जो भाभी है तान्या, वो भी मेरे जैसी है, उसको भी सूट वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं उसको स्पेशली दिखलाती हूँ, तानी बोलो तो तुम्हें कौन सा पसंद है, तो उसका मैं ना थोड़ा सा टांग खींचती हूँ, तानी बोलो बोलो कौन सा पसंद है, इस तरह से। तो अभी मुझे वो सडनली याद आ गई सूट को देख करके, कुछ इतना खूबसूरत ये कुर्ता है ना, मेरी माँ को तो इतना खूबसूरत लगा है कि मैं क्या बताऊँ। फैब्रिक की अगर बात करते हो, प्योर कॉटन फैब्रिक है दोस्तों। एक एक कुर्ता मैं चुन के लेकर के आई हूँ, मतलब ध्यान से परख परख करके लेके आई हूँ। फ्रंट पे कुछ इस तरह का जो है ना आपको पैच वर्क मिल जाता है, कुछ आपको लगेगा ना वो ना कौन सा वर्क, वो काथा वर्क बोलते हैं ना, काथा वर्क जैसा दिखता है, बट ये काथा वर्क नहीं है। ये जो है ना बॉटम का जो फैब्रिक है ना, वो यहाँ पर जो है वो पैच वर्क किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना हल्का सा लेस का जो है ये जो है आपको वर्क किया हुआ, कुछ लेस मतलब लगाया हुआ है। 3/4 स्लिप्स और स्लिप्स का पैटर्न आप देखो, कुछ इस तरह का जो है पैटर्न है, मतलब कुर्ते मतलब स्लिप्स का ये पैटर्न ही, ये पैटर्न मैं बहुत रेयर बड़े बड़े ब्रांड्स पे देखती हूँ, कुछ इस तरह का पैटर्न है। इतना उम्दा क्वालिटी का ये कुर्ता है कि फैब्रिक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इस तरह का आपको मिल जाता है, और नीचे जो है ना आपको कुछ इस तरह का, ये स्ट्रेट फिट कुर्ता नहीं है, ये ए लाइन कुर्ता है, कुछ इस तरह का जो है आपको कुर्ता मिल जाता है। आप देख रहे हो कुछ इस तरह का आपको ए लाइन कुर्ता मिल रहा है, देखते चले जाओ आप। और यहाँ पे फ्रंट में जो है ना आपको कट मिलता है, जो कि ये आपका स्मार्टनेस और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कलर आप डिसाइड कर लो, इसमें तो एक ही कलर मुझे दिख रहा है, ग्रीन के पप्पा अम्मा बैठे हुए हैं, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन ये सब है, और तीसरा जो भाई बंधु इसका है मुझे लग रहा है ये पीच कलर है शायद से। बैक में पूरे में जो है ये प्रिंट बना हुआ है, आप देख रहे हो पूरे में ये प्रिंट बना हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है दोस्तों। प्योर कॉटन फैब्रिक है, इतू सा भी मिलावट नहीं है। तो अगर ये कुर्ता पसंद आ रहा है तो यू यू करके आप परचेस कर लीजिए, नहीं तो भैया अगर स्टॉक आउट हो जाएगा तो इसके लिए सॉरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसके लिए मैं आपको पहले से ही हिदायत दे रही हूँ, वो सूट के लिए फिर से सॉरी। ये कुर्ता सेट सब मेरे पास आकर के 10 दिन से पड़ा हुआ था, लेकिन 10 दिन से मुझे बनाने की इच्छा नहीं, मतलब सोचिए 10 दिन से भी पहले, गोल्डी जब थी ना मेरी बेटी है यहाँ पर उस टाइम नहीं। ओके, बॉटम की अगर बात करते हो तो बैक और फ्रंट दोनों में जो है आपको इलास्टिक मिल जाता है, और नीचे जो है कुछ इस तरह का जो है आपको पैंट मिल जाता है, प्लाजो नहीं है पैंट है, जो आप अपने लेंथ के हिसाब से कट करा सकते हो। मैं तो बहुत शॉर्ट पैंट पहनती हूँ, इसलिए मैं तो इसे पक्का वाला कट कराने वाली हूँ। फैब्रिक की बात करते हो तो मीशो यार सीरियसली गुड जॉब, मीशो सुधर चुका है। पहले तो मैं बॉटम पहनती ही नहीं थी इसके, कितने वीडियो में बोली हूँ, लेकिन अब मीशो के जो सेलर है समझ गए कि भैया पैसा लेना है तो बॉटम भी सही देना होगा, दुपट्टा भी सही देना होगा। तो जो बॉटम मिलता है वो सेम फैब्रिक का मिलता है, थोड़ा सा भी मिलावट नहीं रहता। अब बात कर लेते हैं तीसरे कुर्ता सेट की। ये कुर्ता सेट ना मुझे ओके लगा, ठीक है ना। इसमें आपको मिलता है कुर्ता बॉटम और दुपट्टा। फैब्रिक की अगर आप बात करते हो तो रेयॉन फैब्रिक है इसका। इसका मतलब देखने में ना मुझे ये एक्चुअली कैटलॉग में मिस हो गए, मुझे बहुत सुंदर लगा था, हो सकता है आप पहनने पे बहुत सुंदर लगे। बहुत ऐसे फैब्रिक होते हैं, बहुत ऐसे ड्रेस होते हैं जो कि आप देखते हो तो ओके लगता है, जब आप पहनते हो तो लोग कहते हैं अरे यार क्या तुम इसको बोल रही थी, कुछ भी दिखता है देखो तो कितना खूबसूरत दिखता है। हो सकता है इसको मैं बहुत कम आंक रही हूँ, बट जब इसे मैं पहनी तो ये बहुत स्मार्ट लगे। ये वोटनेक टाइप का जो है ना, इसका नेक का पैटर्न है वोटनेक टाइप का, और ये जो है ना आपको ये मोस्टली मैं इस टाइप के ब्लाउज और सूट बहुत पहनी हुई हूँ। यहाँ पे पोह बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरह के तीन जो है स्टिच किए हुए, कुछ इस तरह का आप देख लो ना, कुछ इस तरह का जो है आपको पैटर्न का जो है आपको स्लिप्स मिल जाता है। मुझे अभी एकदम से याद नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, ब्लाउज में मैं इस तरह के मैं बहुत पहनी हुई हूँ, तो कुछ इस तरह के पैटर्न का जो है आपको स्लिप्स मिल जाता है। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरा बैक और फ्रंट में जो है ना आपको ये सेल्फ प्रिंट मिल जाता है, आपको लग रहा होगा धागे का काम है या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जिगजैग जो है पूरा प्रिंट है।
स्ट्रेट फिट कुर्ता है, साइड में आपको काफी लॉन्ग आपको स्लिट मिल जाता है। अच्छा है कुर्ता, सुंदर है भैया, मैं इसको कम नहीं आंक रही हूँ, पता चला कि मैं पहनी तो कमाल लगा है ना। ओके बात कर लेते हैं बॉटम की, सेम फैब्रिक में बॉटम मिल जाता है, मतलब रेयन में भी सुपर से भी ऊपर वाला रेयन है, बैक और फ्रंट दोनों में आपको इलास्टिक मिल जाता है, और नीचे तो भैया ये भयानक वाला प्लाजो है, मतलब नॉर्मल जो प्लाजो होते हैं वही प्लाजो है, आप अपने लेंथ के हिसाब से इसे कट करा सकते हो। बात कर लेते हैं जिसके दुपट्टा की, तो कोटा डोरिया का दुपट्टा लिखा था, कोटा डोरिया में भी बहुत सारे क्वालिटी आते हैं भैया, पैसा फेंको तो रियल कोटा डोरिया, थोड़ा कम पैसा फेंको तो उससे थोड़ा सा कम वाला कोटा डोरिया, तो भैया ये कोटा डोरिया का पोता है, ठीक है आप समझ जाओ, लेकिन भैया ये खराब नहीं है, बहुत खूबसूरत है, पूरे 2.5 मीटर का जो है आपको दुपट्टा मिल जाता है, और बॉडी से ऐसे भागता नहीं है, आपको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, इतना बेहतरीन है ना, आप इसका भी ना एक सूट लाइनिंग डाल करके सूट बनवा सकते हो, मैं बहुत करती थी दुपट्टा का सूट, मैं बहुत बनवा लेती थी, कुर्ता बॉटम फट जाता दुपट्टा फटता ही नहीं था, तो मैं उसका सूट बनवा लेती थी, कितनों ने ये किया है सो बताइए, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुर्ता सेट की, तो ये कुर्ता सेट है, ये अगर फैब्रिक की बात करते हो तो प्योर कॉटन फैब्रिक, और मुझे ये एक्चुअली बहुत 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 सुंदर लगा, ये जो टीनेज है उनको बहुत खूबसूरत लगेगा ये कुर्ता सेट, साथ ही साथ अगर आप, मुझे पता है 25 to 30 एज वाले जो होते हैं उनको भी इस टाइप का कुर्ता बहुत प्यारा लगता है, इसके पूरे कॉलर पे, ये जो आप कॉलर देख रहे हो ना, इसके पूरे कॉलर के ऊपर जो है ना आपको वो जो है ना मिरर वर्क है, और ये कांच का मिरर नहीं है, वो जो प्लास्टिक वाले जो मिरर होते हैं ना वो मिरर है, और साथ ही साथ जो है आपको सिल्वर कलर के जरी का काम है, जो कि इस कुर्ते की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है, तो पूरे यहाँ पर जो है आपको जो है ये कुर्ते में ये वर्क किया हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है, 3/4 स्लिप्स है, और स्लिप्स के ऊपर भी यहाँ पर जो है आपको सेम जो नेक के ऊपर वर्क है वही आपको वर्क मिल जाता है। कपड़े की अगर बात करते हो तो बहुत उम्दा क्वालिटी है, बहुत बेहतरीन, बहुत माइंड ब्लोइंग जो है ये कुर्ता का फैब्रिक है, तो ये वन सेकेंड ये ए पैटर्न में है, कुछ इस तरह के पैटर्न में ये कुर्ता मिल जाता है, पूरे कुर्ते में कुछ इस तरह का लहंगा जो है वो प्रिंट है, काफी खूबसूरत सा कुर्ता है, फैब्रिक की बात करते हो तो क्या ही मैं बोलूँ, कितने बार तारीफ करूँ, ये कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत उभर के ये कलर दिखता है, कुछ इस तरह का जो है पूरे में बैक में भी आपको कुछ इस तरह का जो है आपको प्रिंट मिल जाता है, एक बार इस कुर्ता को भी जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो परचेस करने की, अगर आपको अच्छा लगता है तो लीजिएगा, अगर सोचिएगा 5 दिन के बाद लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आउट ऑफ स्टॉक, तो भैया ये हो जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। बात कर लेते हैं इसके बॉटम की, सेम फैब्रिक जैसा कुर्ते का फैब्रिक था, सेम फैब्रिक में आपको बॉटम मिल जाता है, बैक और फ्रंट इलास्टिक मिल जाता है, और नीचे जो है आपको जो है कुछ इस तरह का प्लाजो मिल जाता है, लॉन्ग पैंट पहनते हो तो इसको कटवाने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप मेरे जैसा शॉर्ट पैंट पहनते हो तो भैया आपको कट कराना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन है, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ये कुर्ता सेट बहुत 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 सुंदर लगा है, सीरियसली मुझे ये बहुत सुंदर लगा है, मुझे आप पहने देखने वाले हो, ये कुर्ता सेट भी अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं फैब्रिक की अगर आप बात करते हो तो आपको रेयन फैब्रिक मिलता है, कुर्ता और बॉटम मिल जाता है आपको, रेयन में भी ऐसा वैसा रेयन नहीं है भैया, सुपर से भी ऊपर वाला रेयन है, कुछ इस तरह का जो है आप, ये मोस्टली साड़ी वगैरह पे ये वर्क बहुत रहता है, तो कुछ इस तरह का जो है वर्क है, ठीक है, 3/4 आपको स्लिप्स मिल जाता है, और आपको स्ट्रेट फिट कुर्ता मिल जाता है, पूरा कुर्ता का, और फिर पूरे कुर्ता पे कुछ इस तरह का आपको प्रिंट मिल जाता है, देख रहे हो आप, कुछ इस तरह का प्रिंट मिल जाता है, काफी साइड में आपको लॉन्ग स्लिट मिल जाता है, और साइज की अगर बात करते हो तो 4XL तक साइज, सब में 4XL तक साइज उपलब्ध है, ठीक है ना, तो अगर आपका बस्ट साइज 46 है तो 46 तक साइज उपलब्ध है, इस बार मैं पूरा थोक के बजा करके आपके साथ लेकर के आई हूँ, तो सब में 46 अगर बस्ट साइज है तब तक आपके पास मतलब सब में साइज उपलब्ध है, बट कब तक उपलब्ध है मुझे नहीं पता। बात कर लेते हैं बॉटम की, तो बैक और फ्रंट दोनों में आपको इलास्टिक मिल जाता है, और नीचे जो है कुछ इस तरह का जो है आपको बॉटम मिल जाता है, जो कि वंस अगेन आप अपने साइज से जो है कट करा सकते हो, इसका बॉटम का फैब्रिक भी सेम कुर्ता का फैब्रिक है,
मुझे तो सारे सूट बहुत बहुत खूबसूरत लगे। एक पिंक वाला सूट मुझे ओके ओके लगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पहनूंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। आपको सबसे खूबसूरत कौन सा लगा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बोलिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।